बहुत बार ऐसा भी होता है जब आप बाहर से घर पर आते हो और घर पर कोई नहीं मिलता, इवन खाने को भी कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ है। वैसे मेरी मॉम ने मुझे फ़ोन करके बोला था कि वो किसी काम से बाहर जा रही हैं, अगर मुझे कुछ खाना है तो वो बना देंगी। उस टाइम पर मैंने मना कर दिया, मैं सोच रहा था कुछ बाहर खा लूँगा, पर फिर मैंने सोचा जब मैं वीडियोज़ बनाने आप लोगों के लिए जाता हूँ तो तभी मैं काफ़ी ज़्यादा बाहर खा लेता हूँ। आज मेरा मन नहीं था कुछ बाहर खाने का और घर पर आया तो मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया कि मेरे लिए घर पे भी कुछ नहीं था। अब मेरे पास कुछ ऐसे ऑप्शन रह जाते हैं, या तो मैं मॉम का वेट करूं जो कि अभी 3-4 घंटे बाद आने वाली हैं, या फिर मैं कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर दूं जिसका मेरा मन नहीं है। तो आज जो मेरा मन है ना वो है कुछ अलग करने का। मैं अपने घर के फ्रिज में कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढने वाला हूँ जिनसे मिलाकर कुछ भी ऐसा एक्सपेरिमेंट टाइप करने वाला हूँ कि कुछ भी नया ऐसा ट्राई किया जाए जो हम लोग अगर सेम अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोगों के साथ भी है तो आप भी उसे बना सकते हो। अभी मैं अपने फ्रिज में देखता हूँ कि मुझे क्या क्या मिल रहा है, सारी चीज़ों को कंबाइन करके कुछ ना कुछ उसमें एक्सपेरिमेंट लगाकर देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मैं बाहर का सच में बहुत ज़्यादा खाता हूँ, आज ही मेरा मन नहीं है। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मेरी डेली की कुछ ना कुछ पोस्ट बाहर के खाने की पोस्ट होती रहती है। तो आएगी सबसे पहले ले लेते हैं ये मिंट चटनी, फिर देखते हैं और क्या है। फ्रिज भी सारा खाली है, लग रहा है बहुत बड़ा आज बैंड बजने वाली है। ये क्या है, आलू गोभी की सब्ज़ी, इसका ही कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। और अब भी ये रही ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, और ये रही मेरी फेवरेट अमूल चीज़, और साथ में डिलीशियस बटर। तो अपने को फ्राई पैन भी मिल गया है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फ्राइंग पैन में आलू गोभी की जो सब्ज़ी बनी हुई है उसे बटर में फ्राई करने वाला हूँ सबसे पहले। उसके बाद मेरे को ब्रेड मिल गई है, उसमें थोड़ी सी गार्निश करते हैं मिंट चटनी और सॉस के साथ। ये सारी की सारी जो आलू गोभी की सब्ज़ी थी ये मैंने मैश कर ली है अच्छी तरीके से, और अब ब्रेड्स में कुछ करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बटर लगाते हैं इस पर। लेते हैं टोस्टर। अब इसे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स एंड ऑरेगानो, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, मुझे काफी पसंद है ये भी। तो शायद हार्डली मुझे इसे बनाने में 10 से 15 मिनट लगे, लेकिन थोड़ी सी क्रिएटिविटी जो मैंने डाली वो खाकर ही पता लगेगा कैसी है।
अच्छा इसमें मैं आपको पहले बता देता हूँ, मुझे कुछ स्टफिंग चाहिए थी, मेरे घर मेरे को पनीर मिला नहीं एज ऑफ नाउ, मुझे फ्रिज का बहुत ज़्यादा आइडिया रहता नहीं है इसीलिए, तो मैंने इसमें आलू गोभी का जो स्मैश करके उसे डाल दिया। अब खा के पता चलेगा ये कैसा है। चीज़ मुझे पसंद है, मक्खन मुझे पसंद है, चिली फ्लेक्स और ऑरेगानो मेरे को टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है इसलिए मैंने उसे भी ऐड ऑन डाल दिया। तो एक्चुअल में मैंने क्या किया, सारी की सारी चीज़ें जो मुझे पसंद है वो मैंने एक सैंडविच के अंदर डाल दी है और अभी थोड़ा देखते हैं। अब एक जिसे भी पता है खाना बनाना, जो भी जानता है कुकिंग जिसे भी आती है, उसे पता है कि ग्रिल कैसे करते हैं। मुझे ठीक से ग्रिल करना नहीं आया, वो मेरे साथ एक परेशानी हुई, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि मैंने जो एफर्ट डाला है वो काफ़ी अच्छा डाला है। तो ट्राई करते हैं इसे। अगर फ्रैंकली मैं बताऊं आपको इसके बारे में, तो मैंने जो ट्राई किया ना वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो जो मैंने मेहनत करी है इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है, या फिर आप लोगों को बताने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, जो चीज़ का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो आलू गोभी मैंने बटर में फ्राई करी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, और ऑरेगानो चिल्ली फ्लेक्स और जो मैंने टमाटर्स में डाला है वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं। तो अगर आप भी कभी ऐसे घर में अकेले हैं और फंस गए हो, कोई नहीं है, बाहर से मंगाना नहीं चाहते हो, तो आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो। बहुत सिंपल ये सैंडविच बना है, इसे आप बनाकर ट्राई कीजिए, आपको सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और मेरा थोड़ा सा भी एफर्ट आपको बहुत अच्छा लगा है, तो आप इसे एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आने वाली हैं। लेकिन जाते जाते मैं आपको मेरी नीस की एक बहुत ही अच्छी क्यूट सी वीडियो दिखाना चाहता हूँ। उस वीडियो में उसने क्या किया है, उसने मेरी एक्टिंग की है। मैंने जैसे भी मैं जहाँ पर अपनी वीडियो बनाने चाहता हूँ सारी की सारी उसने एक्टिंग कर दी है वहाँ पर। शायद मेरी मॉम आ गई है, देखते हैं, एक्टिंग करिए तो उसको भी देखो, उसका जो एफर्ट है इतनी क्यूट वो लग रही है। उसके लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर कभी भी आप भी ऐसे कहीं फंस गए हैं तो आप उस टाइम पर क्या करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, भाई आज मैं आपको अपने चैनल का नाम बताऊँ, फूड। तो ये आज हम जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट कैफे में, वो है कैफे फ्यूज, और वहाँ पे हमें एक ओनर बताएंगे वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो लेट्स गो। और ठीक है, अब हम चलते हैं। ये है यहाँ के ओनर, ये इनका नाम है, ये बहुत ही अच्छे ओनर है, ये कैफे बहुत अच्छा है। आप लोगों को भी अच्छा लगा? यस। और ये हमारा चैनल है, अगर आप इस पर लाइक करेंगे तो आपको 60,000 लाइक। तो बोलिए। और आज हम खाएंगे वॉफल, पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट। ओके चलो देखते हैं, हम आपको यहाँ के शेफ से बात करेंगे। चलो हेलो, आप हमको आज क्या खिलाना चाहते हैं? ये कह रहे हैं हम आपको बहुत ही स्पेशल चीज खिलाएंगे, आप वेट कीजिए इन शेफ को देखिए। तो देखिए ये है यहाँ के बॉस जो इन सबको डांटते रहते हैं। बताइए आपको Thank you.